गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिंगन घाट में उड़ान पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागपुर तुलजापुर हाईवे पर काम तो पूरा हो गया है, लेकिन ठेकेदार ने सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने में अनियमितता की है। जब तक ठेकेदार पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक उसका बिल नहीं निकलेगा। कितने पेड़ लगाए गए और कितने जीवित रहे इसका हिसाब दे ठेकेदार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कि उन्होंने ठेकेदारों से कोई पैसा नहीं लिया और ठेकेदारों के साथ अधिकारियों के अच्छे कान गर्म करते हुए नितिन गडकरी ने नानगांव फ्लाईओवर के लिए हिंगन घाट आए थे। तब कहा उन्होंने अपने भाषण में हाईवे के विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने काम में अनियमितता करने वाले ठेकेदारों को भी कान गर्म करने के लिए उन्होंने वर्धा जिले में वृक्षारोपण का मुद्दा उठाया और नेताओं को पेड़ लगाने आदेश दिया। या सगळ्यामध्ये बुटीबोरी वर्धा यवतमाळ लातूर तुळजापूर हा रस्ता तर जगातला सुंदर रस्ता त्यापैकी एक झालेला, पण रामदासजी या रस्त्यावर झाडं नाही आहे। त्या कॉन्ट्रॅक्टरचे मी बिलं रोखले, अग्रवाल साहेब सांगले याले जोपर्यंत आज झाडं लावत नाही तोपर्यंत याचे एकही बिल देऊ नका, याच्यावर कारवाई करा म्हणून। आणि आता किती झाडं लावून आला तो, किती गड्ढे केले आहेत ना, अभी गड्ढे किए ना उसने दिलीप बिडकॉन ने, 80,000 गड्ढे किए और वो 3 मीटर के बड़े पेड़ लगा रहा है। अब तुम्हारा काम है कि कितने पेड़ लगे, कितने नहीं लगे, कितने जिंदे रहे। कॉन्ट्रैक्टर से भड़वेगिरी नहीं की अपन ने, कोई पैसा नहीं लिया, और अब अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी ठुकाई करेंगे। तू भी मोजाते झाड़ पूर्ण वर्धा जिल्ह्यातले तेवढे त्याच्याकडनं लावून घ्या आणि ते लागले पाहिजे याची व्यवस्था करा। होते पवनार हे 425 कोटी रुपयाचं काम आहे, त्या कॉन्ट्रॅक्टरला आपण आता टर्मिनेट केलेला आहे आणि नवीन कॉन्ट्रॅक्टरला काम दिलेलं आहे, ते काम लवकर सुरू होईल। BCN News के लिए हिंगन घाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।